तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। जैसे कि हमने कल एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था कि मध्य प्रदेश में 150+ पंचायतों में निकली है राशन डीलर की भर्ती, तो उसमें आवेदन किस प्रकार से करना है, कुछ टर्म एंड कंडीशन है, अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो आप भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक समग्र EKYC और सीखो कमाओ के ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर नीचे दिया गया, आप समग्र EKYC करवा सकते हैं ऑनलाइन। और यहाँ पर आपको जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है घर में किसी को भी, तो सभी की समग्र KYC कराना जरूरी है। ऑनलाइन संबंधित जानकारी के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर बताने वाले हैं राशन नवीन राशन डीलर की भर्ती है तो आप आवेदन किस प्रकार से कर सकते हो, और अगर आप दूसरे जिले के हैं और दूसरे जिले में करना चाहते हैं, ठीक है, आप अन्य जिले में अगर आवेदन करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पर अभी तक हमें नहीं है, इसलिए हमने उन्हें पोर्टल के माध्यम से मेल भेज दिया। जैसे ही मेल का रिप्लाई आता है हम आपको जानकारी दे देंगे कि आप दूसरे जिले में आवेदन कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आज आपको बताने वाले हैं कि आवेदन किस प्रकार से करना है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, ऐसी नई अपडेट नई लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप कर लीजिए। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है MP राशन मित्र, ठीक है, एम राशन मित्र, MP राशन मित्र, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। इस जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने किस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, मध्य प्रदेश स्टेट फूड सिक्योरिटी पोर्टल एम राशन मित्र, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, सबसे पहले आप अगर आपको विज्ञप्ति नहीं पता है कि कौन कौन से जिले में या कौन कौन से पंचायतों में निकली है, तो आप विज्ञप्ति पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक होम पेज देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। होम पेज वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको टोटल 158 पंचायत देखने को मिल जाएगी, आप अपनी पंचायत देख सकते हैं, ठीक है। लगभग 17 जिले में अधिक वैकेंसी ये है। यहाँ पर आपको आवेदन दिख रहा होगा, ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन पंजीयन तथा आवेदन करें, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको नवीन आवेदन करना है, नवीन उचित मूल्य दुकान खोलना है तो यहाँ पर आपको आवेदन करना है राशन डीलर के लिए। यहाँ पर आपको आवेदन करना है तो संस्था का प्रकार में आप बोलोगे कि हम तो कोई संस्था से रिलेटेड है ही नहीं, तो यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 सहायता समूह देखने को मिल रहे होगा, ठीक है, 8 समूह देखने को मिल रहे होगे जिससे आप जुड़कर इस राशन डीलर बन सकते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में मैं आपको बता दूं महिला सहायता समूह जो है वो प्रत्येक गांव में 3 से 4 सहायता समूह होते ही होते हैं, ठीक है। महिला सहायता समूह मध्य प्रदेश में 29,287 पंजीकृत सहायता समूह है, ठीक है, सिर्फ एक ही महिला सहायता समूह जो मध्य प्रदेश में 29,287 सहायता समूह है। वो जो प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति जो सोसाइटी में जो प्रबंधक रहती है जो गेहूं चना की खरीदी करते हैं वो उनके अंतर्गत ये सभी सहायता समूह, उनके अंतर्गत अगर आप उनसे जुड़ जाते हैं तो आप भी राशन डीलर बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी एक समूह से आपको जुड़ना होगा पहले, ठीक है, मेन बात। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो ये वीडियो को अभी से स्किप कर दीजिए। जैसे ही आप किसी समूह से जुड़ जाते हैं उस संस्था का जो नाम, जैसे महिला सहायता समूह का कुछ भी नाम रहता है वो, ठीक है, तो यहाँ पर आवेदक मतलब आपका नाम यहाँ पर डल जाएगा, आवेदक संस्था का पंजीकरण एक रहता है उसका नाम डाल देना, आपको अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है। जिला सिलेक्ट करने के बाद अपना नगर पालिका नगर परिषद सिलेक्ट कर लेना है, आपको जनपद पंचायत सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद अपना ग्राम जोन सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको ग्राम वार्ड अब जिस गाँव के अंतर्गत आते हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। आवेदक का कार्यालय जो सहायता समूह उसका पता रहता है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद संस्था का एक मेन अध्यक्ष रहता है और उसके उसका जो संस्था का अध्यक्ष है उसकी जानकारी यहाँ पर आपको फिल करनी है। जिस दुकान हेतु संस्था आवेदन कर रही है उसे महिला संस्थाओं हेतु आरक्षित हेतु की दशा में आवेदक संस्था आरक्षित महिला श्रेणी के अंतर्गत दुकान प्राप्त करना चाहती है तो यहाँ पर आपको यस करना है, ठीक है। उसके बाद ही यहाँ पर आपको आपकी जानकारी भरना है और यहाँ पर फिर आपका प्रबंधक का नाम डाल देना है, मतलब आपका नाम आप डालना चाहते हैं तो प्रबंधक का नाम, दिनांक, जन्म तारीख हो जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा, पता का नाम आ जाएगा, निवास आ जाएगा और आधार नंबर आपको एंटर कर देना है, ठीक है। आवेदक संस्था के दुकान गोदाम को पता, आप कहाँ दुकान खोलना चाहते हैं, मतलब कहाँ पर राशन डीलर बनना चाहते हैं उसका आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आप चुन सकते हैं आप स्वयं को खोलना चाहते हैं, किराए का लेना चाहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको बैंक डिटेल डाल देनी है, बैंक डिटेल के बाद यहाँ पर आपको संस्था में अगर आप पूंजी है तो यहाँ पर आपको कर देना है, ठीक है, जो सहायता समय उसकी अंश पूंजी जो है वो उसको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है, कि महीने की कितनी उनका टर्नओवर रहता है ये सभी। और यहाँ पर आपको
वर्तमान संस्था के द्वारा व्यवसायिक जो आप व्यवसाय कर रहे हैं उसके बारे में डालना है, संस्था जो व्यवसाय कर रही है वो जिस ग्राम पंचायत वार्ड हेतु आवेदन करना चाहते हैं उसे चुन सकते हैं, ठीक है। जिसमें आप मतलब यहाँ पर आपको मेल में भी यही आंसर आ गया, यहाँ पर जो स्पष्ट बोल रहा है कि हम दूसरे जिले में आवेदन कर सकते हैं या नहीं, उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पढ़िए, जिस ग्राम पंचायत वार्ड हेतु आप आवेदन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप जिस जिले के हैं वो ही नहीं, आप यहाँ पर दूसरे के भी यहाँ पर लगभग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी जिले यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम हरदा के यहाँ पर हम अनूपपुर का यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम जोन सिलेक्ट कर लेना है, पर आपको वहाँ पर राशन बांटने फिर जाना पड़ेगा, ठीक है। सेव डिटेल एंड अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपको फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और फिर आपको फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर फॉर्म फाइनल सबमिट होने के बाद कुछ कुछ दिन के बाद वेट करिए, आपको जो फॉर्म है उसका निराकरण कर दिया जाएगा। अगर आप उसमें सिलेक्ट होते हैं तो आपको मेल या मोबाइल के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सबसे मेन बात है, अगर आप राशन डीलर बनना चाहते हैं तो महिला स्वसहायता समूह से आप जुड़िए, क्योंकि महिला स्वसहायता समूह जो रहता है वो प्रत्येक गांव में 3 से 4 महिला स्वसहायता समूह रहता ही रहता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कृषि साख समिति सहकारी समिति भी प्रत्येक गाँव में एक एक रहती ही है, और जो उपभोक्ता सोसाइटी, विपणन सोसाइटी, उत्पादक सोसाइटी, संसाधन सोसाइटी, बहुप्रश्न सोसाइटी, ये भी प्रत्येक गांव में एक एक सोसाइटी यहाँ पर रहती ही रहती है। तो ये आप उनसे रहे उनसे उनके उनसे जुड़ जाइए, फिर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाल पर क्लिक कर दीजिए। मिलेंगे ऐसी नई अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।